रेडी स्टार्ट। परिवादी मैं अधिवक्ता उपस्थित स्टॉप। परिवादी द्वारा एक परिवाद अभियुक्त राजेंद्र सिंह मीना के विरुद्ध इस आशय का पेश किया गया कि परिवादी पत्रकार है तथा हुक्मनामा समाचार पत्र में ब्यूरो चीफ के पद पर कार्यरत है तथा उसका कार्य क्षेत्र जयपुर है। स्टॉप। परिवादी को सूचना प्राप्त हुई कि मुलजिम अपना निज निवास A215 बुद्ध विहार जयपुर पर एक घरेलू विद्युत कनेक्शन ले रखा था, जिसका खाता संख्या 1713021 2 है, जो मुलजिम के नाम से जारी है। स्टॉक दिनांक 3/11/2020 को विद्युत विभाग द्वारा की गई जांच में मुलजिम द्वारा विद्युत चोरी किया जाना पाया तथा जांच रिपोर्ट में मीटर की डिस्प्ले आउट होने तथा एक फेज डायरेक्ट विद्युत चोरी करते पाए जाने पर कुल 65,986 रुपए की VCR भरी गई थी। स्टॉक उक्त जांच कार्रवाई का समाचार परिवादी द्वारा अपने अखबार में विद्युत विभाग से प्राप्त सूचना व दस्तावेजों के आधार पर प्रकाशित किया गया। स्टॉक जिस पर अतिरिक्त निदेशक प्रशासन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर द्वारा मुलजिम से उक्त शिकायत के संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक प्रथा ओब्लिक राज ओब्लिक कार्यालय व ओब्लिक 2020-21 ओब्लिक 23204 जयपुर दिनांक 19/11/2020 के माध्यम से मुलजिम से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका जवाब विपक्षी द्वारा क्रमांक ओब्लिक जयपुर विद्युत निगम ओब्लिक जयपुर ओब्लिक 2020 ओब्लिक 1361 दिनांक 24/11/2020 को प्रेषित किया, जिसमें चोरी के तथ्यों को न केवल नाका बल्कि परिवादी के ऊपर मिथ्या झूठे व मानहानि कारक आरोप लगाए गए। स्टॉक मुलजिम द्वारा परिवादी को आदतन शिकायतकर्ता व अनुचित दबाव बनाकर नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है। स्टॉक जो आरोप पूर्णतः बेबुनियाद व मानहानि कारक है। स्टॉक परिवादी के प्रति दूसरे लोगों के मन में परिवादी की छवि धूमिल हो जाए। स्टॉक मुलजिम द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24/11/2020 की प्रति पढ़कर न केवल सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के कर्मचारी व अधिकारी परिवादी को हे दृष्टि से देख रहे हैं, बल्कि परिवादी की जानकार व मिलने वालों को इसकी जानकारी होने पर उनके द्वारा परिवादी को अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा है तथा उनके द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी देने पर ही परिवादी द्वारा RIT में उक्त पत्राचार की जानकारी चाहिए, जिसे पढ़ने से परिवादी की भावनाएं अत्यधिक आहत हुई है। स्टॉक परिवादी पत्रकार होने के कारण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कार्य हेतु जाता रहा है, लेकिन उक्त पत्र के प्रकाशित होने के बाद कार्यालय के कर्मचारी प्रार्थी को हे दृष्टि से देखते हैं और उसका काम बंद कर दिया है। स्टॉक इसके अतिरिक्त परिवादी को उसकी संस्था की मान्यता अभी स्वीकृति में भी अब परेशानी आ रही है तथा PRO कार्यालय में भी दुर्व्यवहार किया जाता है।
प्रतिष्ठो उक्त कृत्य परिवादी के प्रति द्वेष वैर भाव से नीचा दिखाकर तंग परेशान करने व सच्चाई उजागर ना करने देने के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए हैं श्लोक, जिससे परिवादी की मान हानि हुई है। परिवादी सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार है जो सच्चाई को उजागर करने व ईमानदारी से कार्य करने के लिए जाना जाता है। श्लोक उक्त कृत्य से समाज व जनमानस में परिवादी की छवि धूमिल हुई है। श्लोक परिवादी के मित्र रविंद्र कौशिक व पत्रकार राजेश शर्मा ने परिवादी को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर काफी खिल्ली उड़ाई तथा गलत दृष्टि से देखा। श्लोक जिससे परिवादी की लोगों की दृष्टि में काफी मानहानि हुई है। श्लोक जिसके लिए परिवादी मुलजिम से क्षतिपूर्ति राशि 10 लाख प्राप्त करने का अधिकारी है। श्लोक पैरा परिवादी द्वारा दिनांक 19/4/2021 को एक विधिक नोटिस जरिए अपने अभिभाषक चंद्रमोहन यादव एडवोकेट के माध्यम से मुलजिम को दिया, लेकिन मुलजिम ने उक्त नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी ना तो कोई जवाब दिया ना ही कोई क्षमा प्रार्थना पत्र प्रेषित की। स्टोक जिस कारण परिवादी उसकी हुई मानहानि के लिए उक्त परिवार न्यायालय में पेश कर रहा है। स्टोक अतः कार्यवाही